यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। भैया एक बीड़ी का बंडल निकालो जरा और एक सुपारी भी। क्या हुआ बेटा, तुम रो कह रहे हो? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? क्या हुआ तुम्हारे भाई को? पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। तू रो मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तेरे भाई को। चल मेरे साथ, कहाँ है वो? वहाँ पे। चल, रोते नहीं है? मैं हूँ ना। अबे चुप भी हो जा, है कहाँ तेरा भाई? बोला। अबे हुआ क्या इसको, जिंदा भी है क्या मर गया? बेटा सांसें तो चल रही हैं। बेटा खड़ा हो, उठ, अपनी आंखें खोल, उठ। साले हरामी, तुझे मैं बताता हूं, मैंने तुझे बच्चा समझ के तेरी मदद करी। तुम दोनों ज्यादा हीरो बन रहे हो, तुम्हें मैं बताता हूं। अस्कर मुन्ना मर जाएगा वो। कौन है माँ? गरीबी बहुत बुरी चीज है। दो वक्त की रोटी के लिए लड़ते हुए इस बच्चे को पता भी नहीं चला कब ये मुन्ना से मुन्ना भैया बन गया। इसका सारा सामान निकाल और जल्दी निकल यहाँ से। क्या बात कर रहे हो तुम, बोरा तो नहीं गए? पक्का वो मुन्ना भैया ही थे? ए लखन, सब लोग बाहर आओ, मुन्ना भैया का झगड़ा। ए बिज्जू, इतना जल्दी में किधर दौड़े चले जा रहे हो बे? भैया जी आपके पास ही तो आ रहे थे। अबे साला हमने कौन सा तुम्हारे लिए कोई लोंडिया वोंडिया ढूंढ दी वैलेंटाइन डे बनाने के लिए, जो इतना तेजी में दौड़े आ रहे हो? भैया जी छेनू के लोंडे का फोन आया था, कह रहा था आपका झगड़ा हो गया। अबे तो झूठ थोड़ी ना बोल रहा था, ये लाए तो है साथ, कोई रिश्तेदार थोड़ी ना हमारा। अबे साले मुन्ना भैया का नाम नहीं सुने क्या तुम? जानते नहीं हो इनको? साले मुन्ना भैया से मारपीट करोगे? अबे मारपीट थोड़ी, चोरी करके भाग रहा था। पूछने पे बताया कि दो दिन से कुछ खाया नहीं है इसलिए चोरी की। इसकी कहानी सुन के अपने बचपन के दिन याद आ गए यार, इसलिए मैं इसको साथ ही ले आया। आज से अपने साथ ही रहेगा, पहले इसको कुछ खाने को दो फिर इसे अपना काम समझाओ, ठीक है? हेलो, क्या? मैं भी आ रहा हूँ भाई, कुछ लोग मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, आज शायद हमारे हाथों खून होना लिखा ही है। चलो सब लोग। अब रोती ही रहोगी या हमें कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या? अब भैया तुमका क्या बताए, हम तो बाजार गए थे हिंदी की पुस्तिका लेने, बस पुस्तिका लेके वापस आ ही रहे थे तब तक दो लौंडा लोग आए और हमसे बदतमीजी करने लग गए और तो हमारी पुस्तिका लेके भाग गए, हमारी हिंदी की पुस्तिका। इतनी सी बात के लिए तुम हमें यहाँ पर बुलाए? हम मुन्ना भैया को साथ लेकर आए हैं। भैया इतनी सी बात, पता वो हमसे क्या कह रहे थे? कह रहे थे पुस्तिका दे दो नहीं तो चुटिया खींच के गंजा कर देंगे, और तुम्हारी गंजी बहन अच्छी लगेगी क्या, इसीलिए हम पुस्तिका दे दी है। अरे कोनो बात नहीं सिस्टर, पुस्तिका तो और आ जाएगी, पर तुम हमें पहले ये बताओ उनका नाम पता कछु मालूम है या नहीं? भैया नाम नंबर तो नहीं पता है, लेकिन हम अपनी पुस्तिका पहचान लेंगे, उसे पहले पढ़ने पे हमने जय श्री राम लिखा था, हम अपनी हैंडराइटिंग को नहीं भूलते हैं। दीदी एक काम करते हैं,
हम जितने भी उत्तर प्रदेश में हिंदी की पुस्तिका है ना, उन सबको इकट्ठा करते हैं और आपके पास लेकर आते हैं, फिर आप आराम से अपनी पुस्तिका पहचान लीजिएगा, ठीक है? जी हुई ना बात, थैंक यू मुन्ना भैया। पर तुम्हें अकेले बाजार जाने की जरूरत क्या थी? कुछ काम था तो हमें बता देती। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, हम अपने काम से बाजार भी नहीं जा सकते सिर्फ इसलिए कि हम एक लड़की है। अब आप ही बताइए, लड़कियों का अधिकार नहीं है, हाँ मुन्ना भैया? बिल्कुल ठीक बात है, क्यों नहीं है, लड़की लड़का बराबर ही तो है, बल्कि हम तो कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से भी ऊपर हैं। तुम चिंता मत करो बहन, हम ढूंढते हैं तुम्हारी पुस्तिका, तुम जाओ घर पे पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है? ठीक है, नमस्ते भैया। बात तो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक बोली, आजकल लड़का लड़की तो बराबर ही है। एक बात बताओ बिज्जू, हमारी गैंग में कितनी लड़कियां काम कर रही हैं? एक भी नहीं भैया जी। तो भेदभाव तो हम ही कर रहे हैं, जब हमारी गैंग में ही कोई लड़की काम नहीं करेगी तो कोई दूसरा कैसे समझेगा इस बात को। एक काम करो, कोई बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की बुलाओ, हम उसको नौकरी देंगे, हमारा अकाउंट्स अकाउंट्स का संभाल लेगी, और क्या, क्यों? ठीक है भैया, चलो चलते हैं। देने के लिए आई हूँ या लेने के लिए आई हूँ? देने के लिए आई हो, मुन्ना भैया का इंटरव्यू लोगी तुम? और मुन्ना भैया आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना, और पूछिए इससे कुछ। हम का पूछे बिज्जू? अरे भैया जी, अब नौकरी पर रखना है, कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ेगा, पूछिए। देखिए मैडम, हम सब तो 12वीं फेल है, आप कितना पढ़ी लिखी है ये बता दीजिए। मुन्ना भैया, आई पास द वे इन मैट्रिक। मैट्रिक का बात कर रही हो मुन्ना भैया? ये कौन सा कोर्स होता है? काफी ऊंचे लेवल का कोर्स होता है, बहुत बड़ा, MBA जैसा, हम जानते हैं, काफी सुने हैं इसके बारे में। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि थोड़ा हमें अंग्रेजी में कुछ बोलकर दिखाइए। मुन्ना भैया, आई एम नॉट इंग्लिश, यू आर नॉट इंग्लिश, नोबडी नॉट इंग्लिश, तो फिर व्हाई टॉक इंग्लिश? मुन्ना भैया, इसकी अंग्रेजी ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। इसकी अंग्रेजी सुन के हमें अपनी उस सेटिंग की याद आ गई जो कभी बनी ही नहीं। अगर हमारी भी आज सेटिंग होती, वो भी ऐसे अंग्रेजी में पटर पटर करती रहती। अरे अरे, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, तुम्हारी भी सेटिंग बन जाएगी। चुप करो, चल क्या रहा है बे इधर? देखिए मैडम, आप काफी पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी भी काफी अच्छी है, आपकी नौकरी पक्की समझिए, ठीक है? वैसे भी हम लोग ब्याज में पैसा दे देकर आजकल काफी घाटा खा चुके हैं, तो आज से हमारा ये ब्याज वाला काम आप ही संभालेगी, ठीक है? अरे भैया जी, ये पांडे ने सुबह से परेशान कर रखा है। अबे ये पांडे कौन आ गया बे? अब भैया जी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आपसे डील की बात करनी है तो आपको बुला रहा है। तो हम उससे मिलने थोड़ी जाएंगे, उसको बोलो यहाँ आके हमसे मिले शाम को। ठीक है भैया जी। हेलो पांडे, आज ज्यादा बकैती मत करो। कॉइन DCX। मुन्ना भैया, अब आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इतने दिनों से ट्राई कर रहे थे आपसे मीटिंग करने का, मीटिंग हो ही नहीं पा रही थी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, हमारी मदद कीजिए। देखिए पांडे जी, आप इतने बड़े व्यापारी आदमी हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो गई है तो सरकार के पास जाइए, पुलिस प्रशासन आपकी मदद करेंगे, हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुन्ना भैया, आपको क्या लगता है, क्या मैं पुलिस के पास नहीं गया हूँगा? प्रशासन से मैंने सहायता नहीं मांगी होगी? पर यह पुलिस के बस का रोग नहीं है मुन्ना भैया, मैंने तो सुना है जहां सरकार भी अपना काम करना बंद कर देती है वहां से आपकी सरकार शुरू होती है, मेरी मदद कर दीजिए। बस यही हमको सुनना था, क्योंकि हम काम वही करते हैं जो सरकार ना कर पाए। खैर, आपका काम हो जाएगा, पर काम बताइए तो सही कि है क्या? दरअसल बात यह है मुन्ना भैया, हरियाणा में मेरी बहुत बड़ी जमीन है, वहां पर एक गुंडे ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि वहां पर एक 5-स्टार होटल बनाया जाए।
बस उस जमीन को खाली कराने के लिए आपकी मदद चाहिए। अब छोटे मोटे गुंडों से जमीन खाली करवाते घूमेंगे मुन्ना भैया? छोटा मोटा गुंडा होता तो अब तक काम हो गया होता। पार्टी बहुत स्ट्रांग है मुन्ना भैया, आपको इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पांडे जी, हम मेहरबानी में नहीं हिस्सेदारी में विश्वास रखते हैं। काम आपका हो जाएगा, लेकिन वहाँ आप जो भी कुछ बनाएंगे उसमें 50% की हिस्सेदारी हमारी होगी। 50%? मुन्ना भैया ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर आपकी हमारी राम राम। रुके रुके मुन्ना भैया, मेरे लिए वो काम होना बहुत जरूरी है। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, पर काम इसी महीने हो जाना चाहिए। देखिए पांडे जी, काम तो आपका आज ही हो जाता, लेकिन वो क्या है कि हमने अपनी टीम में एक लेडीज को रखा है, बहुत पढ़ी लिखी है मैडम, मैट्रिक्स पास, तो उनको थोड़ा हिसाब किताब देना पड़ता है, वरना डांट देते हैं कभी कभार। तो आप एक काम कीजिए, दूसरी पार्टी का मोबाइल नंबर और एड्रेस बिज्जू को लिखवा दीजिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम निकलते हैं। जय श्री राम। पाँच सौ छिहत्तर भैया जी, आज तो पूरा 1000 करिएगा। भैया जी, एक बात करना था आपसे। हाँ तो साला बोलो ना, तुमको भी परमिशन की जरूरत है का? वो भैया जी, बात ये था कि हमारा एक लड़की के साथ बहुत टाइम से सेटिंग चल रहा है और हम उससे ब्याह करना चाहते हैं। आप मुन्ना भैया से बात कीजिए ना। कहाँ बात कर रहे हो, और सेटिंग कब पटी, कैसे पटी? साला तुमने तो हमको बताया भी नहीं। भैया जी बहुत लंबी कहानी है, आप वो सब छोड़िए, आप मुन्ना भैया से बात कीजिए ना। अबे पागल हो गए हो का, मुन्ना भैया से ऐसे बात थोड़ी कर सकते हैं। पहले तुम उस लड़की से हमें मिलवाओ तो सही, हम उसे अच्छे से भांप लें, ताक लें, झांक लें, नाप लें, उसके बाद ही तो बात करेंगे मुन्ना भैया से। तुम एक काम करो, हमारे उस लड़की से संबंध बनवाओ। आज रात की पिक्चर की 2 टिकट बुक करो, कॉर्नर सीट वाली, उसके साथ पिक्चर देखेंगे और वहीं डिसाइड करेंगे वो त्वार लायक है या नहीं। चिंता मत करो, कुछ गलत नहीं करेंगे उसके साथ। का खुसुर फुसुर करने लग रहे हो बे? कुछ नहीं भैया जी, वो ये कह रहा था कि कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शादी करके अपनी किस्मत फोड़ ली, उसकी जोड़ी हमारे साथ ज्यादा अच्छी लगती, सेम कलर सेम फिगर, हम भी तो जेंट्स की कैटरीना कैफ ही है। क्यों? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बिज्जू, वो टॉल तुम डार्क, तुम्हारे बच्चे हैंडसम हो जाते, एक नंबर जोड़ी लगती। पर खैर, का पता भगवान ने तुम्हारी किस्मत में कुछ और बड़ा लिख रखा हो। इतना ही बड़ा काफी था भैया जी, काश मिल जाती बस एक बार। खैर छोड़िए, बेचारी की खराब किस्मत। भैया जी ये सब छोड़ो, उस हरियाणा वाले का क्या करना है, उसका भी मैटर सुलटाइए। अरे हाँ, उसका तो हम भूल ही गए थे, फोन लगा जरा साले को, बुला उसे मिलने के लिए इधर ही। बादाम डाले हो ना दूध में? हाँ भैया जी, काजू भी डाल दिए हैं। अच्छे से तड़का लगा दो। हेलो बाबा, यूपी से बिज्जू बोल रहे हैं, मुन्ना भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने मुन्ना भैया को बोल, अगर बात करनी है तो खुद फोन करे, अपने पिल्लों से फोन क्यों करा रहा है, और अगर मिलना है तो यहीं आ जा, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं। भैया जी, पांडे को फोन मिला। पांडे, तुम्हारी हरियाणा वाली जमीन देखने चलते हैं। साल पहले मैंने इस जमीन को खरीदा था मुन्ना भैया, और यहाँ पर एक 5-स्टार होटल बनाने का सपना देखा था, मैंने तो काम भी शुरू करा दिया था, वो देखिए ये देखिए। पर जब से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाबा की नजर पड़ी है ना, तब से सारा काम रुका पड़ा है। मुन्ना भैया, अपनी जमीन पे साला पैर रखना दुर्भर हो गया है। आप चिंता मत कीजिए पांडे जी, आपका 5-स्टार होटल बनने का सपना जरूर पूरा होगा, आप बस काम चालू कराइए, हम देखते हैं। बिल्कुल पांडे, काम चालू करवा यार।
तीन साल हो लिए, जमीन खाली पड़ी है, इस पे कोई बढ़िया सा फाइव स्टार होटल बनवा और टेंशन मत लियो, होटल में अपना आप संभाल लूंगा। पर हाँ एक बात याद रखियो, होटल बनने के बाद यहाँ पैर मत रख दियो, वरना तेरे सोटा मार मार के दोनों टांग तोड़ दूंगा। अब मैं तुझसे डरता नहीं हूँ बाबा, जानते हो ये कौन है? मुन्ना पंडित, और मेरे सर पे अब इनका हाथ है। अब तेरे सर पर मुन्ना का हाथ हो या फिर शक्तिमान का, काम तो मैं चालू ना होने दूं। पांडे जी आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, आप जरा ठहरिए, हम बात करते हैं इनसे। देखिए बाबा भैया, वो कहा है कि हमें लगता है आप शायद इस लाइन में ना अभी नए हैं, लेकिन हम बचपन से यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए काफी तजुर्बा है, और उसी तजुर्बे से बोल रहे हैं कि जो पैसा आपको चाहिए वो बोलिए और लेके यहाँ से निकलिए, वरना खाम खा जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे क्या फायदा, समझे? पांडे मान गए भैया जी शायद। अब तू मेरी बात एक कान खोल कर सुन, तू हमारे हरियाणा में आया है तो हमारा मेहमान हुआ, और हम हरियाणा वाले मेहमान को भगवान की तरह मानते हैं, वरना क्या पता तू अभी तक अपने पैरों पर भी खड़ा ना रह पाता। अब मेरी बुद्धि चटकने से पहले तू एक काम कर, इस पांडे को उठा और यहाँ से चटक। अबे ओ तमीज से बात कर, मुन्ना भैया आप कहो तो ठोक दूं साले को। मुन्ना भैया, तू तो कह रहा था कि मैं इस गेम का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, पर इस चिरकुट ने देख के तो लगा तू ने यो आज ही भर्ती करा अपनी टीम में। बेटा नजर उठा कर देख। कहां कहां तक गोली लगेंगी पता भी ना लगेगा। पुलिस, मुन्ना भैया, पुलिस को इस मैटर का पता लग गया तो इस जमीन पे स्टे लग जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मुन्ना भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अभी कोई पंगा मत करना। हमारे यूपी में एक कहावत है बाबा भैया, आपने भी जरूर सुनी होगी, कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, और आज आपने वो कहावत सच कर दी। खैर आपके साथ पहली मुलाकात काफी अच्छी रही, पर दूसरी जल्द होगी। चलिए पांडे जी। मुन्ना भैया कहां कहां तक गोली लगेंगी पता भी ना लगेगा, वरना क्या पता तू अभी तक अपने पैरों पर भी खड़ा ना रह पाता। मुन्ना भैया वो बाबा, उसी का सोच रहा हूं बिज्जू, हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। हाँ भैया मौका भी अच्छा है, सुना है वो अपने शहर आ रहा है। बाबा उत्तर प्रदेश में स्वागत है तुम्हारा। बिज्जू ये बाबा भैया यहाँ आए अपनी मर्जी से होंगे, पर जाएंगे हमारी मर्जी से। बहुत गर्मी दिखाए थे ये अपने इलाके में, जरा इनको भी तो पता चले हम यूपी वालों से ज्यादा गर्मी तो खुद आग में भी नहीं होती। जी भैया जी, अपने सारे आदमी लोगों को इसी काम पे लगा दो, हमें ये जल्द से जल्द चाहिए, वो भी जिंदा। इसी दिन का तो हमें बेसब्री से इंतजार था। विधायक जी का फोन। प्रणाम भैया जी, आज सुबह सुबह कैसे याद किया हमको? बस मुन्ना तुमसे मिलना चाहते हैं, एक बार ऑफिस आओगे? जी भैया जी बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ है कि आप बुलाएं और हम ना आए? आते हैं थोड़ा पूजा पाठ करके, ऑफिस पर ही मिलिएगा। मुन्ना 15 साल हो गया मैं पूरे सरकार में, पर आज भी हमें जब भी किसी की भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमें तुम याद आते हो, छोटे भाई हो तुम हमारे। कितना मीठा बोलते हैं भैया जी आप, यही तो खास बात है आप में, जब भी आपके मुंह से ऐसा कुछ सुनते हैं ना तो हमारी छाती और चौड़ी हो जाती है। बताइए अपने छोटे भाई के लिए क्या आदेश है? तुम तो जानते ही हो मुन्ना, इलेक्शन सिर पे है और इस बार भी इलेक्शन हमें ही जीतना है, पर वो तुम्हारी सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। ये भी कोई कहने की बात है भैया जी, हम तो हमेशा से आप ही के साथ हैं, और चिंता मत कीजिए इस बार भी हमारा सपोर्ट आपको ही रहेगा, और देख लीजिएगा इस बार भी आप ही विजयी होंगे। बात वो नहीं है मुन्ना,
वैसे तो हमारी टक्कर में यहाँ कोई भी नहीं है, पर जनता थोड़ी उखड़ी हुई है हमसे। पर अगर तुम साथ हो तो जनता को मनाना कौन सी बड़ी बात है। प्रचार जल्द से जल्द शुरू कर दो, क्योंकि इस बार मेहनत तुम्हें कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए भैया जी, आप अब बस जश्न की तैयारी कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। आज भी हम आपके साथ खड़े हैं और जश्न वाले दिन भी हम ही आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है, अब निकलते हैं काम पर। अरे चले जाना मुन्ना, चाय नाश्ता तो करके जाओ। फिर कभी भैया जी, अभी थोड़ा जल्दी में है, किसी का पुराना हिसाब क्लियर करना है। ठीक है, चलते हैं। भैया जी प्रॉमिस तो कर दिया विधायक जी को, पर जनता सच में नाराज है इनसे। मना लेंगे बिज्जू, जनता इनसे नाराज है, हमसे थोड़ी। हाँ भैया जी, ये भी सही बात है, आप जहाँ खड़े हो जाते हो वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है। उस बाबा का कुछ पता चला? भैया जी उसके पीछे हमने अपने सारे लोंडा लोग लगा रखे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। बिज्जू तुम जानते हो इतना कंट्रोल नहीं होता हमसे, जल्दी चाहिए हमें रिजल्ट। इतना वेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, खून खोल रहा है। भैया जी हमें तो लगता है फट गई है उसकी, शायद सुबह से ढूंढ रहे हैं, कोई खोज खबर ही नहीं है साले की। भैया जी हमें तो लगता है यूपी आके उसे पता लग गया होगा कि मुन्ना भैया कौन है, डर के कहीं वापस अपने हरियाणा तो नहीं भाग गया। आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, तुमसे हो पाता है तो ठीक है, वरना बोलो हमको, हम खुद देख लेंगे। मुन्ना पंडित, कहाँ रह गए थे मुन्ना भैया? इतनी देर तक तेरा इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ खड़ा खड़ा बोर होगा, ऊपर तय हो धूप, तुम्हारे यूपी में ऐसे खातिरदारी करे करेंगे मेहमानों की? भैया जी सबसे पहले तो हम तुम्हारे ये यूपी वाले कमेंट को डिसलाइक करना चाहेंगे, उसके बाद हम दाद देते हैं तुम्हारी हिम्मत की, जो तुम हरियाणा से यहाँ उत्तर प्रदेश में आके हमारे ही क्षेत्र में हमारे सामने खड़े हो, वो भी अकेले। भेजे वाला हिस्सा खाली है का, या फिर जिंदगी से प्रेम नहीं रहा? यार मुन्ना तू तो सीरियस लेगा मेरी बातों को, मजाक कर रहा था यार, तू तो बड़े भाई जैसा है मेरे। भैया जी इसकी जुबान बहुत लपर लपर चल रही है, अभी ठोक दे साले को। तुमने ये चिरकुट अभी तक अपनी टीम में तो ना निकाला के? चलो ना निकाला तो कोई बात ना, पर इस तो टाइम टू टाइम खान का देते रहे करो, देखियो सकल बेचारे की भूखा सा लग रहा है, और भूखा आदमी हमेशा शोर ज्यादा मचाए करे। जा बेटा मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर चिप्स का पैकेट पड़ा है, वो खा ले जा। अबे साले तेरी तो अभी खोपड़ी खोलता हूं। कंट्रोल बिज्जू कंट्रोल, छोटे भैया हैं हमारे तो तुम्हारे भी हुए ना, पहले इनकी कहानी सुन लेते हैं, अगर पसंद आई तो ठीक, वरना खोपड़ी तो इनकी बाद में भी खोल देंगे। बोलिए बैठ के बात करें। मुन्ना भैया बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा, और अगर मैंने नाम सुना है तो इसका मतलब तू कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, बहुत पहुंची हुई चीज लगता है, इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा करके क्यों टाइम खराब करना, बहुत ही अच्छी डील लेके आया हूँ तेरे लिए। देखिए वैसे तो तुम्हारे साथ डील करने में हमें कतई रुचि नहीं है, पर फिर भी सुन लेते हैं, क्योंकि हम ना सुनते सबकी हैं पर करते मन की हैं। भांडे की जिस जमीन के लिए तो गुड़गांव आया था, वो जमीन मेरे कब्जे में है, और मैंने सुना है तुमने कुछ 50-50% कराए, तो 50% ही क्यों, पूरा 100% रखना। वो जमीन मैं तुझे देता हूँ, आज से उस जमीन का मालिक तू। जैसे सारी जमीन तुम्हारे नाम हो ना, कागजों में वो जमीन पांडे के नाम ही है, अगर कल को पुलिस का चक्कर हुआ तो क्या करेंगे? अगर पुलिस के बस की होती तो पांडे तुम्हारे पास क्या करने आता, और वैसे भी मुन्ना पंडित कब से पुलिस से डरने लगा, और फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो मैं हूं ना, आज से वो सारी जमीन आपकी मुन्ना भैया। ये भी ठीक है, पर जितना हम आपको जान पाए हैं हमें नहीं लगता कि आप सिर्फ वो जमीन हमारे नाम करने इतनी दूर आए होंगे, तो जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं उसके बारे में बात कर लें। ये हुई ना एक पक्के बिजनेसमैन वाली बात, तो मैं भी बात को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। लखनऊ में जो 100 बीघा जमीन खाली पड़ी है उसके बारे में तो सुना होगा तुमने? सब लोग जानते हैं उसके बारे में, विधायक जी की जमीन है वो। तो उसने कौन सा जमीन खरीद रखी है, कब्जा ही तो कर रखा है, कब्जा तो हम भी कर सकते हैं, और वैसे भी 15 साल हो लिए विधायक जी को कुर्सी पे बैठे बैठे, मुझे लगता नहीं है अब की बार वो जीतेंगे। मुन्ना भैया एक बार जिसके साथ खड़े हो गए वो हारा नहीं है आज तक, इसीलिए तो बोल रहा हूँ जनता को परिवर्तन चाहिए इस बार, और मुन्ना भैया आप बहुत ही अच्छे लगेंगे विधायक की कुर्सी पर बैठे हुए। अबे अब का इलेक्शन लड़वाओगे का हमसे, बिना चुनाव लड़े ही राजा हैं हम उत्तर प्रदेश के। राजा तो तुम हो मुन्ना भैया, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो वाली पावर नहीं है आपके पास,
एक बार इलेक्शन जीत जाओ उस पावर में रहने का मजा ही अलग है। और वैसे भी लोग जानते हैं तुम्हें, इलाके में अच्छा दबदबा है तुम्हारा, और रही सही कसर पूरी मैं कर दूंगा, प्यार से या फिर हथियार से तुम्हें विधायक बनाने की जिम्मेवारी मेरी। अब एक बार बस विधायक बन जाओ, उसके बाद विधायक की कुर्सी तुम्हारी और 100 बीघे जमीन मेरी। सोचना एक बार इसके बारे में और सोच विचार करके मुझे बता देना। चलता हूँ, राम राम। सांस फूल रही है तेरी, इसे नीचे रख दे चिरकुट। शहर कितना बदल गया बिज्जू, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, चारों तरफ बिल्डिंगें बन गई हैं। भैया जी, कौन है बे? अबे चोरी कर रहा है, पकड़ो पकड़ो, पकड़ो। मुन्ना भैया हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। क्यों बे, चोरी करके भाग रहे थे? चोरी नहीं की भैया, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। क्या सोच रहे हैं मुन्ना भैया? बिज्जू याद है वो रात जब बचपन में हम दोनों ने मिलके एक आदमी की खोपड़ी खोल दी थी? अगर उस रात उसकी खोपड़ी खोलने की जगह कोई किताब खोल लिए होते तो शायद आज हम में से कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता। उस एक रात ने हमारी पूरी जिंदगी बदल डाली। और करते भी क्या मुन्ना भैया, उस समय जो सही लगा वो कर दिए, और वैसे भी हमें कौन सा कोई संभालने वाला था? हमें संभालने वाला तो कोई नहीं था, पर आज भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें हम संभाल सकते हैं। वो बाबा भैया जो ऑफर लेकर आए थे, चाहे उसमें उनका खुद का फायदा हो, पर हम सोच रहे हैं कि इस बार इलेक्शन में खड़े हो ही जाएं। ऐसे बहुत से बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं हम। लेकिन भैया विधायक जी बुरा मान जाएंगे। बुरा मानने की क्या बात है बिज्जू, समझदार आदमी है विधायक जी, चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, इसमें वो भाईचारा थोड़ी ना खराब करेंगे। तुम बस चुनाव की तैयारियां करो। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया, अरे मुन्ना भैया आप इधर खड़े हैं, हमने आपके पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए, अब बच्चे बच्चे को पता है कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हमें तो आज इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप जीत ही गए। बस तो फिर अपने मुन्ना भैया की जीत पक्की समझ, और जश्न की तैयारी कर, तुझे भी कुछ खाने का मिल जाएगा। मुन्ना भैया ये बहुत मजाक उड़ाते हैं हमारा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, हम बता रहे हैं। अरे बिज्जू मैं तो यार मजाक कर रहा हूँ, अब तो भाई समझ एक ही टीम में है ना, तो बुरा बहुत जल्दी माने। बिल्कुल सही करा मुन्ना भैया आपने, मेरी बात मान ली, सही फैसला है, इसी में सबका फायदा है। फायदा तो है बाबा भैया, पर एक बात याद रखिएगा, हम यूपी वालों के साथ अगर कोई रिश्ता बनाता है तो उसे निभाना भी पड़ता है। अपना वादा भूलिएगा मत, पूरा सपोर्ट चाहिएगा तुम्हारा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो मुन्ना भैया, हम किस लिए बैठे हैं, तुम्हारे लिए जान दे भी देंगे, जान ले भी लेंगे, तुम बस जीत की तैयारी करो, गले मिलो यार। अरे बिज्जू तू भी आजा, तेरी के कमर में चनक आ रहा है। यार बड़ी लक्ष्मी है तेरी। विधायक जी का फोन, जरा शांत रहो। जी विधायक जी प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है मुन्ना, ये हमें सुनने में क्या आ रहा है, तुम इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, वो भी हमारे खिलाफ? अरे भैया जी आपके खिलाफ हम आज तक गए हैं का जो अब जाएंगे, वो तो बस थोड़ा चुनाव लड़ने का मन बन गया था तो। हम समझ सकते हैं मुन्ना, पर हमें एक बात बताओ, हम इस इलेक्शन में दोनों भाई एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना? इस बार हमने तैयारी काफी कर रखी है, तुम अगली बार खड़े हो जाना, ठीक है? भैया जी ऐसा तो नहीं हो पाएगा, प्रचार शुरू कर चुके हैं हम, पूरा मन बना लिए हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, इससे हमारा पर्सनल रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है मुन्ना, हमने तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमको समझा रहा था, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करना, इससे हमारा भाईचारा खराब नहीं होगा, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। जी आपको भी, रखते हैं।
अरे बिज्जू, हम तुमको बोले थे ना, विधायक जी नाराज नहीं होंगे। अरे भाई, चुनाव लड़ना तो सबका मौलिक अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। ऑल द बेस्ट बोले हैं हमको। अब तुम जोरों शोरों से प्रचार करो, विधायक जी का भी साथ मिल गया, जीत पक्की समझो अब तो। बस तो फिर, मुन्ना पंडित जिंदाबाद, मुन्ना पंडित जिंदाबाद, मुन्ना पंडित जिंदाबाद। ये तो आस्तीन का सांप निकला भैया जी। अब ये मुन्ना हमारा ही वोट काटेगा, इस बात को हल्के में ना लो। आज ये खड़ा हुआ है, कल ऐसे 10 मुन्ने और खड़े हो जाएंगे। इस सांप को कुचलने का टाइम आ गया, लेकिन ध्यान रहे हमारा सफेद कुर्ता मैला ना हो, इलेक्शन का टाइम है। समझ गए भैया जी, हो जाएगा काम। बीस पच्चीस लाठी रखवा दिया तुम्हारी गाड़ी में। गंगूबाई चाहिए तुमको? है मेरे पास चिरकुट। अबे साले, तुम ये पकड़ भैया जी, अभी हम बाजार से आ रहे हैं, बाजार में चारों तरफ मुन्ना भैया ही मुन्ना भैया हो रही है। देखेगा 100 की 100% वोट भैया जी की होगी, एक तरफा जीत होगी अपनी इस बार। हाँ तो साला, तुम क्या चाहते हो, हार जाएं? हमें तो बस चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। जल्दी काम पे लग जाओ, चलो 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 चलो। तू तो चल पहले। अरे आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं, पहले नंबर प्लेट तो चेंज कर लीजिए, या सिर्फ एक नंबर प्लेट चलता है, ये वाला लगा देते हैं। मुन्ना पंडित जिंदाबाद। आप लोगों ने सुना होगा कि राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है, और इसका पता मुन्ना भैया को बहुत जल्द चलने वाला था। हमारा नेता कैसा हो, अरे जीतू जी मुंह मीठा तो कीजिए, खुशी का अवसर है। समझ नहीं आ रहा भैया जी, ये गड़बड़ हुई कैसे? एक एक आदमी आपके साथ था, आप चुनाव हार कैसे सकते हैं, वो भी इतने बड़े अंतराल के साथ? मुन्ना भैया पता लगवाइए, कोई ना कोई घोटाला जरूर है, हम बोल रहे हैं आपको, वरना आप खुद ही बताइए, विधायक जी जीतने के बाद आपको फोन नहीं करते क्या? आपको तो छोटा भाई बोलते थे वो। बाबा किधर है? बहुत बहुत मुबारक हो विधायक जी। बस बस बस, हमें खुशी है, आप सबको हमारी जीत से बहुत खुशी हुई है। आप लोग ना होते तो हमारी ये खुशी अधूरी रह जाती। आप सबको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ आज हम तुम्हें अपने उस मित्र से मिलवाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। अगर इन्होंने हमारा साथ ना दिया होता तो आज विधायक की कुर्सी पर कोई और ही बैठा होता। आओ बाबा भैया। बस बस विधायक जी, उस मुन्ना को तो धूल चटानी ही थी, बहुत ऐंट दिखाई थी उसने, पर वो इतना बेवकूफ निकलेगा ये मुझे नहीं पता था। एक दो बार भैया भैया क्या बोला, वो तो रिश्ते ही बना बैठा। उसकी गलती नहीं है बाबा, बचपन से बिज्जू के अलावा उसके साथ कोई रहा ही नहीं, अनाथ है ना, तो जो रिश्ता मिल जाए उसी के लिए जान देने लग जाता है। छोड़ो आज के दिन उसकी बात करके, क्यों अपना मूड खराब करते हो, अपना काम तो हो गया। काम अभी पूरा नहीं हुआ विधायक जी। बाबा तो हमें कल से मिले ही नहीं है भैया जी, और मुन्ना भैया कल से वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। हमारे फोन से ट्राई करो जरा, जब हमारा ही नहीं उठाया तो आपका। अरे भैया जी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी आप दोनों को? ठीक तो है, बाइक देख के चलाया कीजिए। सालों कौन भेजा तुम्हें यहां, बताओ बता। बाबा बाबा भैया, आपकी सरकार है विधायक जी, अब आप कुछ भी करें। ये लो, मेरी तरफ से आपकी जीत का तोहफा आ गया, अब हुआ है काम पूरा।
हाँ रघु, मार दिया साले मुन्ना को, अब जल्दी से विधायक जी को खुशखबरी सुना दे। हेलो हेलो, हमारे नाम के पीछे पंडित देखकर हमको पुजारी समझे थे क्या? रावण है हम। बिजू भैया, आराम से, बहुत दर्द हो रहा है, हमारी तो जान निकल गई, सोचा नहीं था आपको दोबारा देख भी पाएंगे। आराम से ही तो कर रहे हैं सोनू, अब गोली लगी है, दर्द तो होगा ही, वो तो भगवान का शुक्र है कि गोली हाथ पे लगी है, अगर 2-3 इंच इधर उधर हो जाती ना तो तुम्हारा तो राम नाम सत्य हो जाता। फिर क्या होता भैया? मैं तो सोच के ही रोने आ रहा है। होना कहा था सोनू, तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारी और तुम्हारी सेटिंग दोनों को अपने कंधे पे उठा लेते तुम्हारे बिज्जू भैया पूरी लाइफ टाइम के लिए। भैया आप कितने अच्छे हैं, हमें आपके गले लगना है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा, हम लग नहीं पा रहे हैं। बस बस सोनू बस, आगे भी अपनी जान की बाजी ऐसे ही लगाते रहना, हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे। बिज्जू भैया आराम से, मुन्ना भैया के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, रोटी खिलाए थे हमको, उनके लिए एक बार तो क्या हम 10 बार भी गोली खा सकते हैं। पर साला कुछ भी कहो, किस्मत बहुत तेज है तुम्हारी, गोली खाने के बाद भी बच गए, हमें तो साला कभी कभी खांसी जुखाम भी हो जाए ना तो खांसते खांसते ऐसा लगता है कि कलेजा बाहर आ जाएगा और हम मर जाएंगे। बस बस भैया जी, ऐसा मत बोलिए, सुनने में अच्छा नहीं लगता, वैसे सुबह से मुन्ना भैया दिखाई नहीं दिए, मुन्ना भैया है कहाँ? कुछ भी कहो बाबा भाई, आपकी चाल की तो दाद देनी पड़ेगी, क्या काटा आपने मुन्ना भैया का, आखिरी मौके पर तो पूरी बाजी पलट दी। अब तो खिसियानी बिल्ली बस खंबाई नोचेगी। तो तुम अपने भाई नाड़के में ले रहे थे के? अगर आदमी की कमजोरी का पता हो तो तुम उसका काम कभी भी तमाम कर सकते हो, और वैसे भी कोई माई का लाल पैदा ना हुआ जो बाबा से चैलेंज कर सके। मुन्ना भैया, बोले थे हम तुमको पीठ पे छुरा नहीं घोपना चाहिए था। बाबा भाई पे हाथ उठाता है। मुन्ना रुक क्यों गए? मारो, हमें भी मारो, अब हम पर भी हाथ उठाओ, हमारे सामने इलेक्शन में खड़े हो सकते हो तो हम पर हाथ भी उठा सकते हो। ये हमारी लड़ाई है भैया जी, आप बीच में ना आइए, हम इस बाबा को छोड़ेंगे नहीं। अब ये बाबा हमारा आदमी है मुन्ना, जैसे कल तक तुम थे, हमारे आदमी से दुश्मनी का मतलब हमसे दुश्मनी है। हमने तुम्हें अपना छोटा भाई क्या बोल दिया, तुम तो हमारे सिर पर ही नाचने लग गए थे, हमारे बराबर बैठने की औकात समझ बैठे। अगर हमारा हाथ तुम्हारे सर पर ना होता तो तुम आज दर दर की ठोकर खा रहे होते। अब तुम जैसे 2 कोड़ी के कुत्ते हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। जुबान संभाल कर बात कर विधायक, अगर तुम हमको छोटा भाई बोले थे तो हम भी तुम्हें बड़े भाई वाला इज्जत सम्मान दिए थे, पर तुम इतनी गंदी राजनीति करोगे ये हम नहीं जानते थे। अगर इलेक्शन लड़ना था तो ईमानदारी से मर्द की तरह लड़ते, हम खुशी खुशी अपनी हार स्वीकार कर लेते, पर तुम दोनों ने अपनी जात दिखा दी। हमारे यूपी में ऐसे लोगों को मर्द तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। अरे ओ मुन्ना, इंस्पेक्टर ले जाओ इसे, इसने हमारी प्रॉपर्टी पे आके हमारे लोगों पे हाथ उठाया है, इस गंदी नाली के कीड़े को इसकी जगह दिखा दो। जगह तो तुम्हें हम दिखाएंगे, याद रखना अगर तुम्हें हमने छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो हमारा नाम भी मुन्ना पंडित नहीं। आज की तारीख याद रखिएगा, आज से तुम दोनों की उल्टी गिनती चालू। चलो इसे।
अरे क्या विधायक जी, पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ये हमारा अड्डा है, ये यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता था। इस साले हरामी को यही के यही काट कर दफना देता। दिमाग ठंडा रखा कर बाबा, शपथ लेना भी बाकी है और जब तक हम विधायक की कुर्सी पर बैठ नहीं जाते तब तक मुझे कोई बवाल नहीं चाहिए। रही बात उस मुन्ना की, उसकी गर्दन हम कभी भी मरोड़ सकते हैं। जब तक हमारा आदेश ना हो कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? मुन्ना भैया एक बात बोले। बोले। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको इतना पास से देख पाएंगे। आपके साथ ऐसे बैठ के हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। आपकी इजाजत हो एक सेल्फी ले ले। यादव ये तुम क्या कर रहे हो यार, पुलिस वालों की बेइज्जती करा रहे हो। नहीं सर नहीं, आप बोलते हैं तो नहीं लेते हैं। अब एक बात बताओ यार, अगर तुम पुलिस वालों को अपनी इज्जत की इतनी परवाह है तो कम से कम एक जीप ले आते। इकाई फटपटिया पे बैठा के जल्लूस निकलवा रहे हो बे, बजट बजट नहीं है क्या तुम लोगों के पास? ओहो मुन्ना भैया, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपको लेके भी आना पड़ेगा। वो तो हम आपका नाम सुने। एक बाइक पे तीन लोग, वो भी बिना हेलमेट के, इनका तो चलान काटना पड़ेगा बे। रोक जरा सालों को। धन्यवाद दरोगा जी हमारे मुन्ना भैया को यहाँ ड्रॉप करने के लिए। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? कानून को हाथ में लेकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो? अरे अरे दरोगा जी, आप तो नाराज हो रहे हैं, हम तो आपकी सिरदर्दी कम करने के लिए आए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। अब आप मुन्ना भैया को चौकी लेके जाएंगे, वहाँ इनका वकील इंतजार कर रहा है, इन्हें दो मिनट में ले जाएगा। तो कहाँ कागजी कार्रवाइयों के चक्कर में पड़े हैं, यहीं छोड़ दीजिए। ड्यूटी खत्म होने का टाइम हो गया है, सीधा घर निकलिए, मिसेज वेट कर रही होंगी। तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हो क्या? एक बात बता देते हैं, सरकार हमें तनख्वाह तुम लोगों के लिए काम करने का नहीं देती है। फिर चाहे तुम्हारा वकील मुन्ना भैया को दो मिनट में छुड़ा के ले जाए, हम तो अपना प्रोटोकॉल पूरा करेंगे। अरे सर हम समझते हैं आप बहुत स्ट्रिक्ट अफसर हैं, लेकिन मुन्ना भैया ने ऐसे किया ही क्या है? मुन्ना भैया से ज्यादा शरीफ गुंडा आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए ना। ये ठीक बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, वैसे भी आपके साथ हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं और कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किए हैं, तो क्यों अपना और हमारा टाइम खराब करना? मुन्ना भैया, जिस दिन आपके खिलाफ कोई पक्का सबूत हमारे हाथ लग गया ना, तो ये हाथ सबसे पहले आपके गिरेबान पे होगा। कह दो अपने चमचों से ले जाएं तुम यहाँ से, इससे पहले कि हमारा मूड चेंज हो जाए। इंतजार रहेगा उस दिन का, तब तक आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं, चलते हैं। बात ध्यान से सुनो, जल्दी से ड्राइवर को भेज के फार्म हाउस के सारे दरवाजे बंद कर दो, चारों तरफ से लॉक कर दो लॉक। मेरे को कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए, अगर कुछ भी दिक्कत हुई ना तो तुम सबको जान से मार दूंगा, समझे? क्या बात हो गई विधायक जी, बड़े परेशान से लग रहे हो। मुन्ना ने कोई नया बकेड़ा खड़ा कर दिया क्या? अरे मुन्ना का नाम मत लो यार, पहले से दिमाग बहुत खराब है, अभी तो चैन की सांस ली थी हमने, अब ये इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए। खबर मिली है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, इन सालों ने तो जीना हराम कर रखा है हमारा। अरे तो दिक्कत क्या आ रही है विधायक जी, आने दो सालों को, हाथ पैर तुड़वा दूंगा उनके, टेंशन मत ले करो। बाबा एक तो तुम अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, तुम हमारे लिए काम करते हो, बाप नहीं हो हमारे जो हमारे हर काम में टांग घुसेड़ते हो, जितना बोला जाए उतना किया करो बस। विधायक जी मैं तो मजाक कर रहा था आपसे, मैं इसलिए आया था, होली का टाइम है तो क्यों ना पूरे उत्तर प्रदेश में आपके बड़े बड़े पोस्टर लगवा दूं, लेकिन आप तो गुस्सा ही हो गए। अरे तुम पे क्यों गुस्सा करूंगा बाबा, ये सुबह से इनकम टैक्स वालों ने दिमाग खराब कर रखा है, आदमी दो रोटी ज्यादा का कमा ले इनके पेट में दर्द उठ जाता है। तुम तो मेरे खास आदमी हो, तुमने तो मेरे को ये कुर्सी जितवाई है, तुम तो इनाम के हकदार हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, आपका हाथ मेरे सर पर है इतना ही काफी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं बाबा, लेकिन हमारा भी तो मन है तुम्हारे लिए कुछ करने का। अब रिश्ता एक तरफा थोड़ा निभाया जाता है, मांगो जो मांगना है। अगर ऐसी ही बात है विधायक जी, तो मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए। मैं इस शहर को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, जैसे पहले मुन्ना चलाता था, और आप देखना आपके नाम का खौफ लोगों में कैसे बढ़ता है। ठीक है बाबा, तुम्हें हम पूरी छूट देते हैं, करो जो तुमने करना है, अपने हिसाब से चलाओ इलाके को। पर एक बात का ध्यान रहे, हमारा कॉलर धंधा नहीं होना चाहिए। आज से इलाका मुन्ना का नहीं, बाबा का हुआ। बाबा के नाम की तो बड़ी थू-थू रखी है पूरे शहर में, कतई चिंदी तरीके की गुंडागर्दी फैला रखी है। कभी सोचे नहीं थे कि हमारा शहर किसी बाहर वाले के हाथ में आ जाएगा, और ये सब उस लालची विधायक की वजह से हुआ है। उसे कुर्सी इतनी प्यारी है कि बाबा को अपना खास आदमी बनाए बैठा है। कुछ भी कहो मुन्ना भैया, जब तक ये बाबा यहाँ पर नहीं आए थे, ये शहर अपने घर जैसा लगता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे किसी पराए मुल्क में आके रह रहे हो, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। भैया जी, ये आपका बिल, 410 रुपए। बिल? अब तुम मुन्ना भैया से पैसे मांगोगे? साला तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भैया जी माफ कर दीजिए, आज ही बाबा के आदमी आए थे, बोलकर गए हर सोमवार आएंगे, हफ्ता लेने, पूरा 20%। ये का हो रहा मुन्ना भैया, ये बाबा तो अपनी औकात पे ही आ गया है, आप कुछ करते क्यों नहीं इसका? जब आदमी का अंत नजदीक हो ना बिज्जू, तो उसकी बुद्धि उल्टी चलने लगती है। ये बाबा जानते नहीं है किस मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। मुन्ना भैया, सुना है विधायक जी ने फ्री हैंड दे दिया है बाबा को, उसी का फायदा उठा रहा है। वैसे भी आजकल इलेक्शन जीत के पावर में है विधायक। जैसे बिना पावर के आज तक हमने इस शहर को चलाया है, आगे भी वैसे ही चलाएंगे। पैसे दे दो इनके। क्या? हम अभी आते हैं। मुन्ना भैया, बाबा के आदमी लोग बाजार में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और वहां के दुकानदारों से जबरदस्ती हफ्ता भी वसूल रहे हैं। हमें वो लोग हमारे सामने चाहिए अभी, वो भी जिंदा। आओ भैया आओ, बहुत चर्बी आ गई है तुम लोगों में। हमारे शहर में आकर हमारे ही लोगों को परेशान कर रहे हो। अबे इतनी औकात कैसे हो गई बे तुम्हारी? जानते नहीं हो का, इस शहर मुन्ना भैया का घर है, और अगर हमारे घर की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखे तो हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। अबे ओ मुन्ना पंडित, अब हम तेरे से डरते नहीं है, ये शहर तेरा नहीं है, तेरे बाप का है, बाबा भाई का। अब हमारी फटती नहीं है तुझसे, हमारे सिर पे बाबा भाई का हाथ है। अब तू हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, और ये बात तुझे भी पता है। गोली इसमें और बची है अभी, पर मार नहीं रहे हैं तुम, क्योंकि तुमको मार दिए तो तुम्हारे बाबा भैया को कौन बताएगा कि तुमको कौन मारा, सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर बता देना अपने बाबा भैया को, मुन्ना पंडित नाम है हमारा, जितने दिलेर हैं उतने खूंखार भी, कल होली खेलने आएंगे, स्वागत के लिए तैयार रहे। खाकर फेंक दो साले को, और कल हम अकेले जाएंगे, तुम लोग बस आसपास रहना।
होली की सारी तैयारी होगी बाबा? अरे इतना खतरनाक इंतजाम करा है कि आपने ऐसी होली कभी पहले देखी नहीं होगी। हमें तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, उन्हें ये होली हमेशा याद रहनी चाहिए। विधायक जी याद तो रहेगी, होली पर लोग गले लगकर अपनी दुश्मनी खत्म करते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपके दुश्मन को ही खत्म कर दूं, मुन्ना पंडित। इतनी भी क्या जल्दी है बाबा? मुन्ना कौन सा हमारे काम के बीच में आ रहा है? हमारी सपोर्ट के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। छोड़ो उसे, रहने दो। यही तो आप गलत समझ रहे हो। वो आज चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए चुप रहेगा। और वैसे भी अब तो वो जख्मी शेर बन चुका है। जख्म को नासूर बनने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए। कल होली है और परसों हमें शपथ लेनी है। हमारी कुर्सी में बात आ सकती है। आपको लगता है कि मैं आपका नाम भी कहीं आने दूंगा? इस सफाई से उस मुन्ना का काम तमाम करूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप बस कल होली पार्टी की तैयारी करो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इस होली को उसकी आखिरी होली बना दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भाइयों का हैप्पी होली। आज तो ठंडे का मजा ही आ जाएगा। होली के दिन भी आप बिना कलर के खड़े हो। होली है। आप सभी भाइयों को हमारी जीत की बहुत बहुत बधाई हो। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ यूं ही खड़े रहेंगे। विधायक जी जिंदाबाद! विधायक जी जिंदाबाद! विधायक जी जिंदाबाद! विधायक जी तो बॉर्डर लग रहा है, अब पता नहीं क्या होगा।
मैं तो डर के मारे दो बार शौचालय भी होया यार। मैनू भी बड़ा डर लग गया होया। सर सर तुसी एक गल क्लीयर कर दो, तुसी SHO सर नाल गल करन ता आगे जे थोड़े नाल सानू भी नौकरी तो कटता फिर की करांगे असी? फिर की सर, रख लेंगे हम अपने पास। क्यों सर रख लोगे ना, हमें भूखा थोड़ी मरने दोगे, है ना? चुप करो, बकवास ना करो। सर असी चुप तो कर जाएंगे, पर तुहानू तां पता असी बाल बच्चे वाले आ, जे तुसी छड़ता तां फिर सानू गुरुद्वारे जाके लंगर ही छकना पैना। हां उत्ते मैं सेवा क्या करूंगा इहदे नाल। ओए ओए सर आ गए। जैन सर। हाँ चौबे जी, आप बताइए आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? समझ नहीं आ रहा सर क्या किया जाए। यूपी में ये सब चल क्या रहा है, इतने साल हो गए पर हालात जस के तस हैं। यहाँ पर पहले मुन्ना का राज था, आज बाबा का है और कल फिर से मुन्ना का होगा। सर ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। आपको एक बात बताऊँ सर, मुन्ना बेशक आज अंदर है पर हमें लगता नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्दी हमने गुंडों के गुलामी करने के लिए पहनी है। चौबे जी एक काम कीजिए, ये बाबा से मेरी मीटिंग फिक्स कराइए। इट्स हाई टाइम कि अब पुलिस को एक्शन में आ जाना चाहिए। कब तक ऐसे कानून का मजाक उड़ता रहे? जी सर। जैन क्या सोच रहे हो मुन्ना, यहाँ से अब तुम निकल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से हाथ में आए हो, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। और अब तो तुम सरकारी मेहमान हो। ये बात जितने अच्छे से हमें पता है उतनी ही अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं दरोगा जी, की गोली हम नहीं चलाए थे। हाँ आंखों पे पट्टी बांधने के लिए बाबा आपको खरीद लिए हो वो अलग बात है। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता मुन्ना। तो फिर बाबा का खोप समझे इसे जो तुम लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। अरे हम तो अपने थे इस शहर के, आज तक जो कुछ भी किए शहर की भलाई के लिए किए, पर अफसोस हमारा कानून अंधा निकला। लेकिन एक बात बता दें, आज भी अकेले मुन्ना में इतना दम है कि तुम सबको एक साथ ठिकाने लगा दे। मुन्ना पंडित नाम है हमारा और तुम लोगों की फाड़ने के लिए सिर्फ नाम ही काफी है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सच्चाई का सामना जितनी जल्दी कर लोगे मुन्ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सच्चाई ये है कि ये चार दीवारी ही तुम्हारी जिंदगी है। जिंदगी का तो हम नहीं जानते पर आपको इतना जरूर बता देते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर हम इस जेल से बाहर होंगे, ये मुन्ना पंडित का वादा है तुमसे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दरोगा जी, क्योंकि बम कभी भी फट सकता है। बूम। और यहाँ कोई पंखा कूलर लगवा दीजिए, फटके चार हो गई है गर्मी में हमारी। भाई वाह क्या बात है, धन्य हो गया मैं तो SHO साहब जो आप मेरे दरवाजे पे आए। कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े अफसर मुझसे अपॉइंटमेंट लेंगे। मजाक अच्छा कर लेते हो बाबा, हमें भी कहां पता था कि आप इतने हसमुख निकलोगे। ये बात तो ऐसी है ना सर जी कि बस मेरे अपने लोग ही जानते हैं। वो क्या है ना, मार्केट में खौफ बना रहना चाहिए वरना लोग मेरी भी वैसी हालत कर देंगे जैसे आपके कानून की कर रखी है, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैं आज तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। रिक्वेस्ट क्यों, ऑर्डर दीजिए आप। देखो बाबा इस शहर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये तुम्हें भी पता है और हमें भी।
लेकिन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ना तो तुम कर सकते हो और ना ही हम। इसलिए जो भी काम करो इतनी होशियारी से करो कि उसमें ना तो डिपार्टमेंट का और ना ही हमारा नाम खराब हो। आखिर हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। बस इतनी सी बात, ये बात तो आप मुझे फोन पे ही बता देते। आखिर हम दोनों को मिलकर ही शहर संभालना है, और रही बात नाम खराब होने की, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, बेफिक्र होकर घर जाओ। और मैं तो कहता हूँ भाभी जी के लिए तोहफा जरूर लेके जाना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से ले जाइए। रघु, सर जी के लिए मिठाई ले गया? अरे नहीं, हम मिठाई नहीं खाते। अरे इस मिठाई के लिए तो आज तक किसी ने मना ही नहीं किया। ये लीजिए आपका इस हफ्ते का शगुन। हर हफ्ते शगुन आता रहेगा, आप बस आंख बंद करके अपने काम संभालिए। वाह बाबा, बड़ी ही अच्छी मेहमान नवाजी है आपकी। हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर। उम्मीद है कि हम ऐसे ही साथ मिलकर आगे काम करते रहेंगे। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। अरे हम तो आपको एक दिन भी वहाँ रुकने नहीं देते मुन्ना भैया। वो तो आप ही हमको कोई संदेश नहीं भेजे, और आपको तो पता ही है आपके इशारे के बिना हम कोई काम नहीं करते। सच बताएं मुन्ना भैया, आप कुछ दिन के लिए हमारी नज़रों से दूर क्या हुए? हमें तो ऐसा लगा हम फिर से अनाथ हो गए। मुन्ना भैया सही कहे तो आपके पीछे से बहुत ही परेशान थे बिज्जू भैया, इनकी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। हम तो इनसे जब भी बात करते तो हमेशा यही बोलते थे कि मुन्ना भैया को बाहर निकालना है। हमारे साथ तो दो मिनट बैठते भी नहीं थे बिज्जू भैया। बिज्जू बाबा कहाँ हैं? पूरी स्ट्रेटेजी बन गई है मुन्ना भैया, सब इंतजाम हो चुका है, बस आपके बाहर आने का इंतजार था। सुने हैं आजकल अपने नए वाले अड्डे पे रहता है, बहुत ही मुश्किल से पता लगाए हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको बाबा से। ये जमीन देख रहा है, बहुत पापड़ बेले हैं तेरे भाई ने इसके लिए, पर आखिरकार यू अपनी हो ही गई। वो किसी ने कही है ना कि सबर का फल मीठा होता है। भाई, वो मुन्ना जेल से भाग गया।
देखो देखो कौन आया है, मुन्ना भैया जेल की हवा खा कर आए हैं, स्वागत करो इनका। यूपी में स्वागत है आपका भैया जी। जेल में तो आपकी खातिरदारी ठीक हुई ना, हमने तो आपको बहुत मिस किया मुन्ना भैया। हमारे यूपी में अब हमारा स्वागत करोगे तुम बाबा, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। वैसे एक बात कहें, गीदड़ अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता, और इसका एहसास हम आज तुम्हें दिलाएंगे, वो भी अकेले। तो फिर आजा। नाम याद रखना, मुन्ना पंडित। बिज्जू तुझे पूरी जिंदगी मुन्ना का चमचा बनकर रहना है क्या? तेरी खुद की कोई औकात नहीं है? औकात बनती है पैसों से, जो मैं तुझे दूंगा जितना तू बोले। फिर क्या ही फर्क पड़ता है तू काम मुन्ना के लिए करे या मेरे लिए। बाबा ठीक बोल रहा है बिज्जू, मुन्ना को तो मैं वैसे भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगर तू हमारा साथ देता है तो ठीक है, वरना तेरा भी राम नाम सत्य है। फैसला तेरे हाथ में। बस बाबा बस, मर जाएगा वो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कानून हाथ में नहीं लोगे, हम इसका वही हाल करेंगे जो हर गुंडे का होता है, इनकाउंटर। कल मुन्ना पंडित के लोग दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन से मुन्ना भैया को छुड़वा कर ले गए थे, और आज नए एसएचओ साहब ने उसे फिर कानून की हिरासत में ले लिया है। नए एसएचओ साहब के आने से लगता है कि अब गुंडागर्दी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वैसे कुछ भी कहो पाजी, किस्मत हो तो मुन्ना भैया जैसी हो, आज मरने का दिन है तो अभी बेहोशी की हालत में पड़े हैं। किसने गोली मारी, कहाँ गोली मारी, कितनी गोली मारी, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। उस सानू की फर्क पैंदा है पाजी, वैसे भी बाबा भैया ने सानू छोटे जे काम दे इन्ने पैसे देते, इन्ने तो आप पूरी जिंदगी च नहीं देखने सी। वैसे है तो गुंडा ही सी, ए दिन आर तो आई सब होना सी। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही आपने पाजी, गलत काम तो गलत ही होता है, और हमने कभी कोई गलत काम थोड़ी किया है। और वैसे भी अब हमारा काम खत्म हुआ, अब तो इनका काम बाकी है। चलो आपको चाय पिला के लाते हैं।
अंत भला तो सब भला। तो चलो पाजी सबको खुशखबरी दे दे। मुन्ना पंडित को जेल ले जाते वक्त कुछ गुंडों ने वैसे कुछ भी कहो लाइफ हो तो बाबा भैया जैसी, बिना इलेक्शन लड़े एमएलए भी बन गए और मुन्ना भैया के मरने के बाद इस शहर के किंग भी। अगर ऐसी ही बात है तो ये आखिरी जाम मुन्ना की मौत के नाम। Cheers! हेलो सर, मैं बैंक से बात कर रही हूँ, आपके लिए एक ऑफर आया है, क्या आप क्रेडिट? अरे मैडम मुझे ना चाहिए कोई कार्ड वार्ड, और इतनी रात ने कौन फोन करेगा, चल फोन काट। हम तो क्रेडिट कार्ड देगी भाई। यो मैडम नहीं मानेगी बिना क्रेडिट कार्ड दिए, एक काम करते हैं इससे मजे लेते हैं। हेलो, मुन्ना पंडित नाम है हमारा, हम राम नहीं रावण हैं, और तुम शायद भूल गए कि रावण कभी नहीं मरता। भैया yeah.